Hello friends, welcome once again in Coding World. So today we are going to learn about comma operator. ये कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं. द कॉमा ऑपरेटर इज ए बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है, सिंगल ऑपरेंड में ही काम करता है हमारा. दैट इवैल्यूएट इट्स फर्स्ट ऑपरेंड एंड डिस्कार्ड द रिजल्ट. इट इज यूज्ड टू राइट डिफरेंट एक्सप्रेशन इन सिंगल लाइन. सपोज मैंने ये इंटीजर टाइप का एक्स में 10, वाई में 20 और जेड में एक्स प्लस वाई साइन करा दिया, तो इसको हम एज इन सिंगल लाइन में कैसे लिख सकते हैं. तो आप देख सकते हैं हम इसको दो टाइप से लिख सकते हैं, एक फर्स्ट ये और ये, हम कॉमा ऑपरेटर की मदद से. तो जो हमारे कॉमा ऑपरेटर होता है वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करता है, बट ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें भी और इसमें. अभी हम देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस है. जैसे द कॉमा ऑपरेटर है द लोएस्ट प्रिसिजन देन असाइनमेंट ऑपरेटर, बट सेमीकोलन से इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है. तो जैसे मैंने तीन एग्जाम्पल लिया समझने के लिए, ये पहला, सेकेंड एंड थर्ड. तो आप देख सकते हैं मैंने जो क्या लिया, ए में सेट कर दिया 1, 2, 3 और इंट ए. इसमें जो आउटपुट हमारा सेकंड में हमारा आएगा 1 और थर्ड में आएगा 3, बट पहले वाले में कंपाइलर आएगा. तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा सेकंड सेम एग्जांपल है और थर्ड भी सेम है, बट थर्ड में हमने ये पैरेंथेसिस लगाया है और यहाँ आउटपुट हमारा 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा और इसमें कंपाइल इसकी वजह से आ रहा, क्योंकि जब हमने इंट में एक्स इंट ए लिया है ऐसा नहीं तो 1, 2, 3, तो हम कभी भी किसी प्रोग्राम में ऐसा डिक्लेरेशन हम नहीं कराते, एरे लेते हैं. तो एरे में वो कर्ली ब्रेसेस लगा के 1, 2 ऐसे एक्सेट्रा, वो एरे में हम कर सकते हैं, बट इंटीजर में हम सिंगल इंटीजर में हम ऐसे नहीं कर सकते. इसकी वजह से ये कंपाइल एरर बताएगा हमारा. तो जैसे हमने इसका नाम दे दिया 1, 2, 3 प्रोग्राम नाम, तो फर्स्ट में मैंने समझ लिया था क्या किसकी वजह से कंपाइल एरर आ रहा. इट इज ए स्टेटमेंट एंड वी कैन नॉट यूज वैल्यू लाइक दिस. जैसे ये हमारा इसमें जो डिक्लेरेशन हमारा है ये तो हमारा सही है, बट जो है हमने इन ए में 1, b में 2 सिम दी, या तो ये हम डिक्लेरेशन में देते हैं, बट ये दो डिक्लेरेशन, तो यहाँ भी हमारा ये दोनों जो स्टेटमेंट एक प्रोग्राम है तो हमारा एरर बताएगा. या इसे हम ये यहाँ पे केवल ए में साइन 1, b में 2 सिम, ये हमारा तब सही रहता है. जैसे हम ये हमारा डिक्लेरेशन सही है, तो ये भी किसी प्रोग्राम में लिखें तो ये हमारा लर्न कर आ जाएगा. अब सेकंड वन और आउटपुट आया था 1, तब इसको समझते हैं 1 क्यों आया था. तो जैसे आप देख सकते हैं प्रिसिजन ऑफ कॉमा ऑपरेटर इज लीस्ट इन ऑपरेटर टेबल, सो द असाइनमेंट ऑफ ऑपरेटर टेक्स प्रिसिडेंस ओवर द कॉमा एंड एक्सप्रेशन ए में जो असाइन 1, 2, 3 बिकम्स इक्विवेलेंट टू ए इक्वल टू 1, या ए में असाइन 1 हो जाएगा. ये मैंने पैरेंथेसिस इसके वजह से लगाया समझने के लिए, ए में जो पहली वैल्यू रहेगी वो हमारे ए में साइन हो जाएगी और 2, 3, तो इसी वजह से यहाँ आउटपुट हमारा क्या आया था 1 आया था. और थर्ड में हमारा क्या था, इसमें आउटपुट 3 आया था, बिकॉज 1, 2, 3 आर इनक्लोज इन ब्रेसेस या पैरेंथेसिस, जो मैंने ऐसे लगाया है. एंड ब्रेसेस हैड मोर प्रायोरिटी देन असाइनमेंट ऑपरेटर व्हेन मल्टीपल वैल्यूज आर गिवन विद कॉमा ऑपरेटर विद इन द ब्रेसेस. जब ब्रैकेट में कोई मल्टीपल वैल्यू दिया जाएगा देन द राइट मोस्ट वैल्यू इज कंसिडर एज रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन. तो राइट में हमारा क्या था 3 था, तो रिजल्ट हमारे जैसे कंसिडर करेगा तो वो हमारा असाइन हो जाएगा. जैसे ये मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, तो आपको सुन ही हो रहा होगा, हम इसे जूम कर दें थोड़ा. जैसे आप देख सकते हैं अब आपको सो हो रहा होगा, मैंने जो पहले प्रोग्राम लिया था ये लिया था, तो इसमें क्या कंपाइल एरर आ रहा था, तो हमारा कंपाइल यहाँ भी एरर आना चाहिए. तो ये आप देख सकते हैं ये एरर कलर का है, इसका मतलब यहाँ इसमें गलती है. और सेकंड एग्जांपल क्या लिया था, हमने पहले एक वो डिक्लेरेशन करा दिया था और फिर विदाउट पैरेंथेसिस, तो इसमें आउटपुट क्या था हमारा 1 आया था. तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट 1 आ रहा. अब जैसे हमारा थर्ड क्या था, थर्ड में हमने जो लिया था वो ब्रेसेस के साथ लिया था, जिसमें हमारा आउटपुट जो आया था 3 आया था. तो आप देख सकते हैं 3 आया था. आई होप ये तीनों एग्जांपल आपको समझ में आया होगा. जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ये हमने एक्स वाई जेड डिक्लेरेशन करा दिया, हमने पैरेंथेसिस लगाया एक्स में 10, वाई में 20 और एक्स प्लस वाई है, तो इस और जेड इक्विवेलेंट में लिया है. तो पहले हम एक्स को इक्विवेलेंट करा रहे हैं, उसके बाद वाई को, उसके बाद जेड को,
तो आई होप क्योंकि हमारा जो कॉमा ऑपरेटर होता है लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, पहले एक्स को असाइन करेगा वाई को और जेड जो हमारा ये लाइट मोस्ट वैल्यू 10 + 20 = 30 हो जाएगा। तो इसको हम बिल्ड एंड रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं एक्स में 10, वाई में 20 और जेड में 30। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा और आज आपका जो डाउट भी रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो जैसे इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं, वो बहुत ही कम लोग को पता होगा, आई होप मुझे पता है। जैसे हमारा ये तो पहले हम इसे थोड़ा इधर कर देते हैं, जैसे ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कैन कॉमा ऑपरेटर आल्सो यूज टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस, तो इसका आंसर है यस। यस है बट कैसे क्वेश्चन द्वारा होगा माइंड में तो हम देखते कैसे। We know that every statement is terminated with a semicolon, but comma operator also used to terminate the statement after satisfying the following rules. तो वो रूल हमारा क्या है, जैसे पहला रूल क्या है हमारा, the variable declaration statement must be terminated with semicolon. जो हमारा स्टार्टिंग में declaration statement होता है वो semicolon terminated होना चाहिए। उसके second क्या है, the statement after declaration statement can be terminated by comma operator. जो हमारा डिक्लेरेशन के बाद होना चाहिए वो हम कॉमा ऑपरेटर से टर्मिनेट कर सकते हैं। और थर्ड रूल क्या है हमारा, द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, तो इसका मतलब क्या है हमारा, लास्ट और डिक्लेरेशन के बीच में हम कॉमा ऑपरेटर से टर्मिनेट कर सकते हैं स्टेटमेंट को। जैसे ये हमारा ये कह रहा है, जैसे ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमने डिक्लेरेशन करा दिया, इसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब इसके बाद जो हम जितने भी लाइन ले लें, हमें जितना भी हमें मन चाहे हम ये कॉमा ऑपरेटर से टर्मिनेट कर सकते हैं इसको भी इसको, बट जो हमारी ये लास्ट लाइन है इसको हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, तो यहाँ मैंने जैसे हेलो वर्ड बनाते हैं, तो ये तो मैंने सिंपल प्रोग्राम लिया है, तो यहाँ डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले टाइम में जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, और ये हमने कॉमा से इसको टर्मिनेट कर दिया, सेकंड को भी कॉमा से, थर्ड को भी कॉमा से, बट जो हमारा लास्ट है इसको हम सेमी कॉलन करना पड़ेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड लास्ट लाइन। तो हम इसको रन करा के देखते हैं अपने कंपाइलर पे, तो हम वो एग्जांपल देखते हैं जो हमने अभी आपको बताया था कि हम कॉमा ऑपरेटर से भी स्टेटमेंट टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे मैंने वही सेम एग्जांपल लिया है, फर्स्ट लाइन बैक स्लैश एन ये हमने कॉमा से टर्मिनेट कर दिया, सेकेंड लाइन को भी कॉमा से, थर्ड लाइन को भी कॉमा से, बट जो हमारा लास्ट लाइन रहेगा ये हमें ध्यान रखना है। और ये तो सिंपल प्रोग्राम है, तो यहाँ डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो भी हमारा सेमी कॉलन से टर्मिनेट होगा। तो जैसे हम इसे बिल्ड एंड रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं आउटपुट इसका, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, कहीं एरर भी नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन और लास्ट लाइन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर हमारे पहली बार आए हैं चैनल पे तो हमारे कोडिंग हॉल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, और फेसबुक पेज के लिए हमारा आइकन है कोडिंग हॉल की कोडिंग, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए। ट्रस्ट मी फ्रेंड, जो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सी सी प्लस प्लस पाइथन जावा एआई सभी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।